नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम में। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोच रहे थे कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है। अभी यूपी बोर्ड की तरफ से एक न्यूज़ आया है, जिसमें दिया गया है कि स्थगित बोर्ड परीक्षाओं को रद्द न माने यूपी बोर्ड के छात्र। जैसा कि यूपी बोर्ड की तरफ से कल हुई एक मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 स्थगित नहीं होगी। इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 10th और 12th की परीक्षा इस बार नहीं होगी और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन छात्र इस भ्रम में नहीं रहे। उनकी परीक्षा की घोषणा है वो एक अगले हप्ताह में कर दी जाएगी। देखें तो कोरोना के कारण स्थगित की गई यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की नई तिथि की घोषणा जल्दी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले सप्ताह 10वीं और 12वीं की परीक्षा की घोषणा कर सकता है और इसके लिए नई डेट की घोषणा हो सकती है। इससे पहले यूपी बोर्ड के सभी विद्यालय 20 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद ही बोर्ड परीक्षा के संबंध में सरकार फैसला करेगी कि परीक्षा किस तिथि को होगी। अतः छात्र अपनी तैयारी को जारी रखें और बैठें नहीं। इससे पहले हम बात करें हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 8 मई से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ सही तरह से सम्पन्न न हो पाईं और ये परीक्षाएं 25 मई को समाप्त होनी थी, जबकि 12वीं की परीक्षा थी वह 28 मई को समाप्त होनी थी। लेकिन अब बोर्ड की हालात की समीक्षा करने के बाद टाइम टेबल जारी करेगा और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह नया टाइम टेबल है वह अगले हफ्ते में या फिर जून के पहले वीक में संभवतः घोषित कर दिया जाएगा। अतः छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें, जिससे उनके अच्छे अंक आ सकें। इसके अलावा 9th और 11th क्लास के वे स्टूडेंट जो कि इस साल उन्हें प्रमोट कर दिया गया और वे 10th और 12th में आ चुके हैं, तो वे स्टूडेंट भी अभी अपने खाली न बैठें और अपनी स्टडी को शुरू कर दें। वो ऐसा न सोचें कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तभी अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। जैसा कि कोरोना महामारी के कारण अभी सभी कॉलेज और विद्यालय बंद हैं और जिसमें 3 मंथ हैं वो निकल चुके हैं, अतः आपका सिलेबस है वो अधिक होता है, तो इतने कम समय में सिलेबस को तैयार करना मुश्किल होता है। तो अतः ऐसे सभी छात्र जिन्हें इस साल प्रमोट किया गया है वे भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें और नियमित रूप से प्रत्येक विषय को टाइम दें। उनके पास जो पुरानी बुक्स हैं उनसे तैयारी करें और अन्य संसाधनों से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, तो निश्चित ही आप अगली परीक्षा में बेहतर अंक लेके आएंगे। जय हिंद।